धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हम सब पर हमेशा बना रहता है। आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में प्रति भोर हमें प्राप्त होती है प्रभु, और हमारा जीवन आप में सुरक्षित होता जाता है प्रतिदिन प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है, और आपकी सामर्थ के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास में दृढ़ होते जा रहे हैं प्रभु, इसलिए क्योंकि आपका वचन हमें विश्वास में दृढ़ करता जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से प्रगटीकरण कर रहे हैं प्रभु, ताकि हम सत्य को जानें और सच्चाई में आगे बढ़ें, वास्तविकता में आगे बढ़ें और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, और आज हम इस एक विषय के साथ आपके बीच में आए हैं, ट्रुथ अबाउट प्रेयर पार्ट वन। सबसे इम्पॉर्टेंट ये विषय इसलिए है क्योंकि आज दुनिया में प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, और लोग सोचते हैं हमें प्रार्थना करनी आती है, हम आपकी प्रार्थना करने पे कभी भी उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि प्रार्थना करना आपका अधिकार है। लेकिन हमारा विषय कुछ अलग है। प्रेयर इज नॉट ओनली अ रिक्वेस्ट ऑफ गॉड बट अ कॉन्वर्सेशन विथ गॉड। परमेश्वर, प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सामने केवल निवेदन रखना नहीं है, बल्कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। और क्वेश्चन इसलिए उठता है कि एक तरफा आप केवल बोल रहे हैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जान नहीं रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को जाने बिना आप केवल बोले जा रहे हैं, ये प्रार्थना नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Why doesn't God answer our prayer? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? मैं आज नेगेटिव से शुरू कर रहा हूं कि पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है, उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड बाइबल टेल्स अस द ट्रुथ, परमेश्वर का वचन बाइबल इस विषय में हमें सत्य बताती है, और वो ये है हाउ नॉट टू प्रे, कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। और आज हम इसी विषय पर आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने तो थोड़े से वचन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद इस चीज को इसमें चेक करेंगे और इसमें स्टडी करेंगे तो आपको इतने मिलेंगे कि पूछिए नहीं। और इतने ज्यादा ये परमेश्वर का वचन इस चीज से भरा हुआ है कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, क्यों हमें प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं रहा है। सबसे पहले मैं आपके साथ चाहूंगा कि वचन से मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूटरनमी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ड्यूटरनमी है और हिंदी में है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका अध्याय है 28 अध्याय, द बुक ऑफ द लॉ। ये यहां पर व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर का वचन 28 अध्याय का पहला और दूसरा पद आपके साथ पढ़ेंगे। इसमें आपको यहीं से शुरुआत, आप इसको होमवर्क आप लोगों का ये है, स्टडी आपको अगर करनी है तो आप इस पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ के देखिए, हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, ताकि आपको जो हिंदी में चीज क्लियर नहीं हो रही वो इंग्लिश से क्लियर हो, जो इंग्लिश से नहीं हो रही वो हिंदी से क्लियर हो। आप इसको स्टडी करके देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आपके जीवन में आपका प्रार्थना करने का कारण यही है कि कुछ समस्या आ रही है, आपको आशीष नहीं मिल रही है, आपके जीवन में समस्याएं प्रतिदिन आ रही हैं, बहुत ज्यादा आती जा रही है, समस्याओं में आप घिरते जा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है। हमको शुरुआत वहां से करनी चाहिए कि ये गड़बड़ी क्यों है। गड़बड़ी प्रार्थना करने में नहीं, आप प्रार्थना शायद रोज करते हो लेकिन आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये
तीन मुख्य सवाल हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना अगर कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है पृथ्वी पर। पहले परमेश्वर के वचन में आप यानी परमेश्वर के बातों को जो आपसे वो कहना चाहता है उसके वचन में आपको मिलेंगी। जब आप उसके वचन में जाकर उन बातों को देखेंगे, पवित्र आत्मा की इसीलिए जरूरत है क्योंकि वो हमारी सहायता करता है कि हमें वचन को कैसे देखना है और कैसे समझना है। पवित्र आत्मा हमारा बहुत बड़ा सहायक है क्योंकि आत्मा की बातों को शारीरिक मनुष्य अंडरस्टैंड नहीं कर सकता बिना पवित्र आत्मा की सहायता के। पवित्र आत्मा हमारा आत्मिक सहायक है, वो परमेश्वर का वो आत्मा है जो आत्मिक बातों को समझने में हमारी मदद भी करता है और हमारी बुद्धि को खोलता है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर की न सुनने के कारण। परमेश्वर की अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके जीवन में आशीषें ही आशीषें आती हैं। तो पहला भाग आशीषों का भाग है, उसमें उस व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ केवल धन्यवाद के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसी अध्याय का 28 अध्याय का निर्गम व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 15 पद को आप देखिए, यहां पर आपको समस्या की शुरुआत हो गई। और यहां 15 पद में ऐसा लिखा हुआ है 28 चैप्टर ड्यूटरनमी 28 वर्स 15, यहां पर लिखा, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। इसलिए जब समस्याएं का मतलब है श्राप पर श्राप आना, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर के वचन आप तक नहीं पहुंच रहे, या परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है आप उसमें मन नहीं लगा रहे, उसको सुन नहीं रहे। अगर आप सुन भी रहे हैं तो उसको समझ नहीं रहे और उसको मान नहीं रहे, उसको ग्रहण नहीं कर रहे, इसलिए ये समस्या शुरू होती है। और आपको लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो समस्या का समाधान होगा, जी नहीं। परमेश्वर का वचन, पहले आप परमेश्वर की सुनना शुरू कीजिए, परमेश्वर की सुनकर मानना शुरू कीजिए, आप परमेश्वर को केवल धन्यवाद ही करेंगे। प्रार्थना केवल धन्यवाद की होगी। और इसके बाद हमारे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसके 66 अध्याय में, भजन संहिता उसके 66 अध्याय में। ये तो मैंने बहुत ढेर सारे में से छांटे हैं और ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। भजन संहिता 66 अध्याय का 18 पद, यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 66 अध्याय और उसका 18 पद। और यहां पर लिखा हुआ है 66 भजन संहिता इंग्लिश में है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 66 वर्स 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आप प्रार्थना भी कर रहे हो, मन में अनर्थ बातें सोचते रहते हैं। आप प्रार्थना 5 मिनट 10 मिनट के लिए करते हैं लेकिन हर समय अनर्थ बातें सोचते रहते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। और इसी के साथ साथ भजन संहिता 109 अध्याय का 7 पद भी निकालिए, साम 109 वर्स 7, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 109 अध्याय उसके 7 पद में, यहां पर लिखा हुआ है, जब उसका न्याय किया जाए तब वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। कौन? तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। ये इसको आप शुरू से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। और मालूम है हर व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हमारी प्रार्थना के विषय में भी ऐसा लिखा गया है कि प्रार्थना पाप गिनी जाएगी। और हमने आज तक लोगों को इस सच्चाई को किसी को बताते नहीं सुना कि लोग ये भी बताएं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं आप प्रार्थना पाप के साथ तो नहीं कर रहे हैं? आप पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पाप गिनी जाएगी, इसलिए भी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। इसी के साथ साथ नीति वचन की पुस्तक द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इंग्लिश में अध्याय 15 उसका 15 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे, 15 अध्याय और उसका 8 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर पर
और सबकी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थना को एक्सेप्ट करता, सुनता है और उसके बाद जवाब वो अपने हिसाब से देगा। सीधा व्यक्ति भी अगर गलत चीज मांगेगा तो परमेश्वर उसको नहीं देगा, गलत वक्त पे कोई चीज मांगेगा तो भी नहीं देगा। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है और मनुष्य केवल भावुक है, वो अपनी भावनाओं को ही उंडेलता है। प्रार्थना के रूप में सिर्फ हमारी भावना ही परमेश्वर के सामने खुलती हैं। 15 अध्याय का 29 पद भी देखेंगे, नीति वचन 15 अध्याय का 29 पद, 29 वर्स। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। यहाँ पे धर्मियों की प्रार्थना कही जा रही है। धर्मी का मतलब, अब आप हमारे देश में धर्मी उसको बोलते हैं जो जो संसार में लोग धर्म के काम कर रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर धर्मी का मतलब है जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको परमेश्वर के वचन में धर्मी बोला गया है। धर्मी की परिभाषा जरूर समझिएगा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। इसी के साथ साथ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। 28 अध्याय उसका 9 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 28 अध्याय के 9 पद में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आप तक पहुंचाई जाती है, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते और एक्सेप्ट करते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना पसंद करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से दूर भागिए और केवल चाहिए कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। इसी के साथ साथ यशाया नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ आइज़ाया इन इंग्लिश, यशाया नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसके 15 और 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। यह परमेश्वर खुद कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यानी जब तुम अपने जीवन को परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बिल्कुल करेक्ट कर लेते हो, तब परमेश्वर तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तुम्हारी ओर फिरेगा, और परमेश्वर पहले तुम फिरो तब परमेश्वर तुम्हारी ओर फिरेगा। इसी के साथ साथ यर्मिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से 17 पद तक, यर्मिया नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 1 से 17 पद तक ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन यर्मिया के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, यानी परमेश्वर की वचन जो इसमें लिखे हुए बाइबल में, वो जो इन्हें ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वो पूरी हुई है। ये सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन को सुनो और उसके अनुसार चलो। यानी परमेश्वर भविष्यवक्ता से कह रहा है कि उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाओ शहर के लोगों को और उनसे कहो इसके अनुसार चलो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चेताता आया हूं, मेरी बात सुनो। परमेश्वर बार 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 भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैसेज कर रहा है कि लोगों से कहो कि वो परमेश्वर की वचन सुने, परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। आज भी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने उनके विषय में ये वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी।
फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया जाता है, पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने इस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों को से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको खोल के सब सच्चाई, ये भविष्यवक्ता के द्वारा आया वचन है। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के द्वारा उस जमाने के लोगों से कह रहा था, और यही कंडीशन आज के लोगों में भी है। इसी के साथ यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय के 10 पद से देखेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 अध्याय का 10 पद से। और यहाँ पर लिखा हुआ, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वो इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को झूठी झूठी बातें बताते हैं, और इसलिए लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते और उसको विश्वास नहीं करते। जकरिया नबी की पुस्तक निकालेंगे, द बुक ऑफ जकरिया ओल्ड टेस्टमेंट में है, जकरिया नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक के 7 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्य वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना ना होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। हम अपने देश को, अपने परिवार को इसलिए उजाड़ कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर की वचन से हम दूर भागते हैं, उसकी बातों को मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और हम प्रार्थना जरूर करते हैं। अब मेरे साथ नए नियम आ जाइए, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, इंग्लिश में बुक ऑफ एक्ट्स बोलते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 8। यहां पर देखिए, यहां पर एक किस्सा हुआ है, और यहां पे उस किस्से के लिए प्रार्थना का जब बात आई तो क्या कहा गया। 8 अध्याय का 22 पद, प्रेरितों काम 8 अध्याय उसके 22 पद में यहां पर पत्रस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। यहाँ पे हुआ ऐसा है कि एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा के लिए पैसे लेकर आया और कहने लगा, ये वरदान हमें दे दो, पैसे ले लो। तो पत्रस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। पहले क्या कर? मन फिराकर। इसीलिए नए नियम में लिखा है, पहले यीशु मसीह का मन फिराओ, और मन फिराने के बाद तब तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो? तुम्हारा मन नहीं फिरेगा, वो तुम्हारी, तुम बोलने के अधिकार तुमको है, तुम बोलते रहो, लेकिन वो सुनेगा नहीं, और वो सुनेगा नहीं तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 31 पद यहां पर हम आपके साथ पढ़ते हैं। यहां पर भी एक बहुत अच्छी सच्चाई मिलती है। 31 पद में लिखा हुआ है, 9:31, यूहन्ना 9:31, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर
चैप्टर जॉन चैप्टर 9:31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, यही सच्चाई है प्रार्थना के विषय में। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा में चलता है, उसकी आत्मा के अनुसार चलता है और उसका भक्त है, यानी केवल उसी की मानता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। उसको ज्यादा जोर से चिल्लाने की या बार बार किसी चीज को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो परमेश्वर उसकी सुनता है और उसको ये बात मालूम है कि परमेश्वर आराम से सुनता है। याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स इंग्लिश में याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप मांग क्यों रहे हैं? परमेश्वर, जब जो कोई परमेश्वर से जुड़ जाता है तो उसको मालूम है परमेश्वर ऑलरेडी हमें आशीष पर आशीष दे रहा है। हमें कोई चीज ऐसी नहीं है, जब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है और वो हमें लेकर चलता है, हम उसके अनुसार जब चलने लगते हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं होने देता, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। तो हमें मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमको एक ही विषय रह जाता है, हमें परमेश्वर से जब हम धन्य प्रार्थना करते हैं तो केवल धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। दूसरा, प्रार्थना वो कार्य है जो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना को इंटरसेसरी कराता है, यानी मध्यस्थता की प्रार्थना। जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं होता है और वो हमारे पास आता है और हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो वो व्यक्ति पर हम हाथ रखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध है। उस व्यक्ति के लिए हम सिर्फ बीच में कॉन्टेक्ट बन जाते हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करता है उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके जीवन में प्रकट हो जाए और वो भी हमारी तरह परमेश्वर की महिमा का कारण बने, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के मार्ग में वो चल सके और वो भी हमारा भाई बन जाए, जैसे हम परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर चल रहे वो भी हमारी तरह हो, ताकि हम दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। इस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़े, ये उद्देश्य था केवल प्रार्थना का। नए नियम में प्रार्थना के केवल 2 ही उद्देश्य है, एक परमेश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना, दूसरा परमेश्वर के लिए परमेश्वर की सेवकाई में इंटरसेसरी, ये मिनिस्ट्रियल प्रेयर है, ये सेवकाई की प्रार्थना होती है, ये हम इंटरसेशन करते हैं, मध्यस्थ हो जाते हैं किसी के लिए और तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके जीवन में भी वो चीज पूरी होती है, जैसे किसी ने मेरे साथ किया वैसे ही हम उसके साथ करते हैं। अब इस विषय को हमने आज शुरू किया है, कल हम आपको बताएंगे नए नियम के अनुसार कि प्रार्थना का हमारे जीवन में प्रार्थना आवश्यक तो है लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य और प्रार्थना हमको कौन कौन व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, कब कर सकता है और कैसे कर सकता है। इसलिए आज का विषय यहीं पर हम रोकते हैं। सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि पुराने नियम का समय अब नहीं है, अब नए नियम का समय है और प्रार्थना में आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं और किससे प्रार्थना करनी चाहिए ये भी, जब वाचा बदली तो व्यवस्था भी बदली है, आप ये मत भूलिएगा। तो आप पुराने नियम के को आज के जीवन में आधार नहीं बना पाएंगे। हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि इसमें लिखी हुई सब बातें वो हम उनको जाने, और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उस इसमें लिखी हुई सब बातों को समझें, ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और ये सच्चाई हम दूसरों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन में भी पूरी हो और हम मिलकर परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा के पात्र बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं और हमें मालूम है प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगते क्योंकि हमें मालूम है कि आप हमें ऑलरेडी सब कुछ दे रहे हैं। जब हम आपकी इच्छा को पूरा करते हैं तो आप हमारी सब जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं और आप हमारी हर परिस्थिति से वाकिफ हैं और हमें हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि देकर हमें उस परिस्थिति में स्थिर रहना और उसमें से जयवंत होकर निकलना सिखाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो। जब लोग इस स्टडी को आपके वचन पर आधारित होकर करें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे और उनका जीवन जयवंत जीवन हो और परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।